साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं में विषय राजनीति शास्त्र के पेपर की। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे पहला है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो भारत का है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो ये 1952 में हुए थे। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, तो उस राज्यपाल को कहा जाता है। भारत में द्विसदनात्मक विधायिका वाले कितने प्रांत हैं, तो वो 6 हैं। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है, तो वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं, तो वो है जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तो 299। संसदीय व्यवस्था में सरकार राष्ट्रपति का प्रधान होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है, तो 12। प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता जनता है और प्राकृतिक समानता जन्म से माता से ही प्राप्त होती है। आंग सान सू की देश की है, बर्मा। अस्पष्टता अनुच्छेद 17 में है। अब रिक्त स्थानों के बाद सही जोड़ियों की बात करें, तो कॉलम अ को कॉलम ब से जोड़ना है। जैसे क्रिप्स मिशन योजना, तो ये होगा 1942। संविधान की 10वीं अनुसूची, तो ये होगा दल बदल अधिनियम। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो ये होगा बुनियादी सुविधा। नगर पालिका, तो ये होगा स्थानीय निकाय। और तिरंगा प्रतीक है, तो वो है संवैधानिक अधिकार। भोजन पानी आवास, तो इसका होगा स्वतंत्रता का। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे अनुच्छेद 74 क्या है, तो ये केंद्रीय मंत्री परिषद के गठन के बारे में है। मार्क्सवादी समानता के जनक कौन हैं, तो कार्ल मार्क्स हैं। इमानुएल कांट किस देश के दार्शनिक हैं, तो जर्मनी के हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है, तो ये निर्वाचन आयोग को है। और भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है, तो 6वें भाग में है। अज्ञानता का आवरण प्राकृतिक अधिकार है, यह कथन किसका है, तो रॉल्स का है। क्रिप्स मिशन क्या है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, ठीक है। और ये 22 मार्च 1942 की बात है। अब सत्य असत्य बताना है। जैसे पहला है, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, सत्य है। राजनीतिक समानता राज्य द्वारा ही प्राप्त होती है, सत्य है। लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, असत्य है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, सत्य है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है, सत्य है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये क्वेश्चन दिए गए थे, तो आई होप कि आपने इन प्रश्नों के उत्तर सही लिखे होंगे। इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके जरूर बताएँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।